हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको स्टोन के ऊपर ड्राइंग करना या तो पेंटिंग करना कैसे करते हैं वो मैं सिखाने वाली हूँ। तो उसके लिए आपको जो जो मटेरियल चाहिए वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम लेंगे एक अच्छे शेप का स्टोन यानी कि पत्थर। उसके बाद हमें चाहिए कुछ इस तरीके से एक्रीलिक कलर। और मुझे जो जिस तरीके से आज मैं आपको पेंटिंग बताने वाली हूँ उसके लिए मुझे चाहिए वाइट, रेड और येलो कलर। इसके बाद है ग्लास लाइनर, जो मुझे बॉर्डर करने के लिए चाहिए, जिसका कलर ब्लैक है। ब्रश और एक कपड़ा, रफ कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम वाइट कलर लेंगे और इसकी मदद से हम यहाँ पर सबसे पहले तो वाइट कलर हम पूरा पेंट कर देंगे वाइट कलर से, ताकि इसके ऊपर अगर हम कोई और कलर लगाते हैं, यूज़ करते हैं, तब ये अच्छे से ये जो ब्लैक हिस्सा है वो ना दिखाई दे। एक वाइट शैडो की तरह हम इसका इस्तेमाल करेंगे वाइट कलर का। और ये जो कलर है हमें इसमें पानी का इस्तेमाल और जब भी हम कोई वाटर कलर इस्तेमाल कर रहे हों तो हमें ये बात का ध्यान रखना है कि फ़ैन हमें हमेशा ऑफ रखना है, क्योंकि अगर फ़ैन ऑन होगा तो कलर हमारा जल्दी से सूख जाएगा। अगर हमें कभी कोई इसमें शेडिंग अगर देना हो तो हम वो शेडिंग देने में हमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो हमें ये बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम कलर करते हों हमें फ़ैन को ऑफ रखना है। ओके, तो ये हमारा वाइट कलर इसके ऊपर पेंट हो चुका है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए सूखने देंगे। ओके, तो आज आप सोचेंगे कि इसके ऊपर हम क्या बनाने वाले हैं। तो हम इसके ऊपर एक एंग्री बर्ड का पेंट बनाएंगे, जो बच्चों को बहुत पसंद आती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर शेप देंगे। तो हम सबसे पहले इसके ऊपर हम आइस बनाएंगे उसकी। ओके, फिर नोज। और इसके ऊपर मैंने ड्राइंग करने के लिए मार्कर पेन रख यूज़ किया है, जो आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से। ओके, फिर आईब्रोज। आप इस तरीके से अपना मन चाहे कार्टून का फेस इसके ऊपर बना सकते हैं। ओके, अब ये आईज और नोज ड्रो तो हो गए हैं, अब उसके ऊपर हम कलर करेंगे। तो ब्रश को हम अच्छे से पहले धो लेंगे। फिर अब हम लेंगे येलो कलर उसके फेस को पेंट करने के लिए। तो अब हमने देखो आसपास हमने पहले से ही वाइट कलर का इस्तेमाल किया हुआ है, अब इसके ऊपर जब हम येलो कलर इस्तेमाल करेंगे तो उसका ब्लैक पार्ट जो जो आपको वाइट में दिख रहा है आपको येलो में फिर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हमने पहले से उसको इसके ऊपर वाइट कलर का शैडो दिया हुआ है। तो स्टार्ट करें। Thank you.
ये आप देख सकते हैं कि इसका फेस पेंट पूरा हो चुका है, तो हमें अब इसकी नोज़ को कलर करने के लिए हम रेड कलर का इस्तेमाल करेंगे। ये रेडी। ओके, तो अभी हम पूरा कलर एक बार फिर से सूखने देंगे। अब अभी से ही आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कार्टून की इफेक्ट आ रही है अच्छी तरीके से। ये हमारा अब आखिरी काम बचा हुआ है, तो अब हम इसको पूरा अच्छे से सूख जाए उसके बाद हम काम करेंगे। ओके, तो अब हम आप देख सकते हैं कि ये कलर अच्छे से सूख गया, हाथ में भी नहीं लग रहा है, अब देख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर जो हमने पहले बॉर्डर बना के रखी थी, अब उसकी जो विथ है वो हमें बढ़ा देनी है, तो ये जो हमारा चित्र है वो अच्छे से दिखाई दे। ओके, तो पहले हम आईब्रोज अच्छे से बना देंगे, उसकी डार्क कर देंगे। ये काम करने के लिए जो विथ यानी कि उसकी जो पॉइंट है उसका वो मोटा हो, वो वैसे मार्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें याद रखना है कि आपको ये जो मार्कर पेन है वो परमानेंट हो, वही इस्तेमाल करें, ताकि अगर आप इसके ऊपर अगर हम हाथ लगाते हैं तो वो निकलना नहीं चाहिए। अगर आपके पास जो हमने एक्रेलिक कलर इस्तेमाल किया है तो आप डायरेक्ट ब्रश से भी ये शेप बना सकते हैं, लेकिन अगर आप ये पहली बार कर रहे हैं तो आप में मार्कर पेन का इस्तेमाल करेंगे तो बेटर होगा। शेप हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। आपकी ये जो है इसकी आईज जो है उसको और इफेक्टिव बनाने के लिए उसके आईज के छोटे जो बॉल्स होते हैं वो हम बना देंगे। अब देख सकते हैं लग रहा है ना एग्रीबेट और बहुत अच्छी तरीके से। ओके, अब इसके बाद हम ये जो पत्थर है, अब इसको हम पानी में भी रखना चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन उसके पहले हमें एक काम और करना पड़ेगा। अगर आपके पास जो स्टोन का कलर होता है यानी कि जो ग्लास कलर होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ये नेल पॉलिश जो लड़कियां इस्तेमाल करती हैं वो इसके अंदर जो ट्रांसफ़र कलर होता है यानी कि पानी कलर जैसा होता है उसका इस्तेमाल भी हम इसके ऊपर कर सकते हैं। तो हम अभी यही इस्तेमाल करेंगे। चलो, तो ऑलरेडी हमारा परमानेंट मार्कर पर कलर है तो ये ऑलरेडी सूख चुका है, तो हम डायरेक्टली इसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे। और लेकिन याद रखना इसके हल्के हाथों से करना है, ज़्यादा घिसना नहीं है। तो क्या होगा कि हमारा जो ये पेंट है उसके ऊपर साइन दिया जाएगा। अच्छे तरीके से, और इसी तरीके से मैंने और सारे ये स्टोन आर्ट तैयार किए हैं जो मैं आपके सामने पेश करती हूँ यहाँ पे।
आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है। ये देखिए एंग्री बर्ड की पूरी फैमिली हमारे यहाँ पे तैयार हो चुकी है। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगे और आप खुद भी ट्राई करेंगे और आप इसको घर में सजाने के लिए भी अब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा ये एंग्री बर्ड के अलावा मैंने कुछ और पेंट तैयार किए हैं जो आप देख सकते हैं। ये कुछ आपको डॉग जैसा दिख रहा है और ये टर्टल यानी कि कछुआ, ये भी मैंने यहाँ पे एक बर्ड तैयार किया हुआ है। और ये आप देख सकते हैं पैगविन, ये सबसे सुंदर लग रहा है। अब इस तरीके से बना के आप रख सकते हैं। और ये कुछ फिश जैसा है, और ये मैंने यहाँ पे आउल तैयार किया हुआ है यानी कि उल्लू। यहाँ पे देखो आप, इसमें आपको कुछ होम जैसा लग रहा है। फिर आप इसको गन स्टिक की मदद से आप जहाँ यूज लगे वहाँ पे आप तैयार कर सकते हो। ये कुछ फीस है देखिए, ओके। तब इस तरीके से जैसे कि आपके पास कोई पॉट है तो यहाँ पे इस तरीके से एंग्री बर्ड तैयार करके या ऐसे आपको जो भी अच्छे लगे वो बर्ड्स के पेंटिंग, कार्टून के पेंटिंग आप बनाकर वहाँ पे रख सकते हैं और आपके घर को डेकोरेटिव कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये वर्क आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।